ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 45। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोवर्ब्स का क्या मतलब है। प्रोवर्ब्स मतलब जो भी सुविचार रहते हैं उसको, उसके जो सेंटेंसेस है मेन वो हम लोग देखेंगे। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लेके रखे, लेकिन बहुत सारे रहते हैं सुविचार इंग्लिश ग्रामर में या फिर कोई भी लैंग्वेज में जो भी सुविचार रहते हैं हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में भी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब है जो भी चकचक करता है वो सब कुछ सोना नहीं रहता है, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसके बाद है एज यू सो सो शैल यू रीप, इसका मतलब है जैसे आप लोग बोओगे वैसे पाओगे, जैसे करनी वैसे भरनी, इसका मतलब है ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। उसके बाद बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब है सारे भौंकने वाले कुत्ते आपको बाइट नहीं करते, इसका मतलब है, ठीक है ना। टाइम इज मनी, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, टाइम पैसे की बराबर है, रहता है, पैसे से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। फेयर इज विल देयर इज वे, मतलब जहां पे इच्छा शक्ति है आपको मार्ग मिल ही जाएगा, इच्छा होनी चाहिए कुछ भी चीज करने की। उसके बाद वॉक द टॉक, मतलब जो आप बोल रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, उसी को अच्छा रहता है, नहीं तो आप कुछ और बोल रहे हो और कुछ कर कुछ और रहे हो तो वो अच्छा नहीं रहता है। वॉक द टॉक। इसके बाद फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, का मतलब है फेलियर्स के मिलने के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है, वो पिलर्स एज अ पिलर्स आप लोग उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रोवर्ब्स रहते हैं, आप लोग जब ऐसे राइट करेंगे जो आईलेट्स एग्जाम में रहता है या फिर कोई भी इंग्लिश एग्जाम में रहता है, एसेज या फिर लेटर्स में आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा मार्क्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोवर्ब्स का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। कोई क्वेश्चन से डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।